अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लाया हूँ वो है क्रीट की हाउस की एक फ्रेग्रेंस है, उसके बारे में। आप लोगों को क्रीट के बारे में पता होगा कि क्रीट कितनी पुरानी हाउस है। ये तकरीबन 1760 से लेकर अब तक जो है ये फ्रेग्रेंसेस में काम कर रहा है, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ फ्रेग्रेंसेस बनाती हैं। और आज जो मेरा टॉपिक है वो क्रीट ही की एक फ्रेग्रेंस है, क्रीट ओरिजिनल वेटेवर के नाम पर। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये वेटेवर की खुशबू है। वेटेवर खस को कहते हैं और इसमें जो वेटेवर इस्तेमाल हुई है, क्रीट ओरिजिनल वेटेवर की जो फ्रेग्रेंस है, इसमें जो वेटेवर इस्तेमाल हुई है वो हैतियन वेटेवर है। हैशियन भी इसको कहते हैं। हैती जो है ये नॉर्थ अमेरिका के एक कंट्री हैं, वहाँ से लिया गया है। इसमें जो वेटेवर इस्तेमाल हुई है यानी खस, इसको खस भी कहते हैं, अत्र खस भी कहते हैं, रूहुल खस भी कहते हैं। और असल में हैतियन खस और हिंदी खस में फ़र्क होता है। हिंद में जो खस निकाली जाती है वो कनूज हैं, एक जगह हैं वहाँ से ये हासिल की जाती हैं। दूसरा है मूसा नगर, ये दो जगह हैं और भी हैं इस तरह। और इसमें डिफरेंस जो है वो खुशबू की भी डिफरेंस है और साथ जो है इसकी कलर में भी डिफरेंस है। इंडिया की जो खस है उसकी कलर जो है वो डार्क ग्रीन है और हैतियन की खुशबू जो है वो उसकी कलर येलोविश टाइप की कलर है। उसकी खुशबू थोड़ी शार्प टाइप की खुशबू है जो इंडिया की है, और हैतियन थोड़ा सा लाइट है। उलेवेर क्रीट एंड एरवन क्रीट हैज़ क्रिएटेड दिस फ्रेग्रेंस इन 2004। फैमिली जो है वो ग्रासी ग्रीन, ग्रासी सोपी और फ्रेश टाइप की फ्रेग्रेंस है। सीज़न जो है इसका समर है। वैसे लोग ये विंटर में भी इस्तेमाल करता है, लेकिन असल में ये फ्रेग्रेंस समर की फ्रेग्रेंस है। ये आप कब यूज़ कर सकते हैं? वैसे तो ये सेंट ऑफ द डे हैं और खुशबू ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप इसके अलावा जो हैं, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, लेबर हैं, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू कपड़ों पे भी स्टे करती हैं और स्किन पर भी स्टे करती हैं। लास्टिंग इसकी अच्छी है, खुशबू देर पा है, तकरीबन 12 से ज़्यादा इसकी खुशबू है, 12 प्लस आवर इसकी खुशबू है, लास्टिंग अच्छी है। प्रोजेक्शन जो है इसकी खुशबू की इतनी ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट हैं, और सियाज भी मॉडरेट हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। इंटेंसिटी इसकी लाइट है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है। आप ये यूनिसेक्स है, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है नोट्स के बारे में बताता हूँ। नोट्स वैसे आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी टॉप नोट में बर्गमाट है, जिंजर यानी अदरक हैं, और ऑरेंज हैं। हर्ट नोट में वेटेवर हैं, हैतियन वेटेवर, जो मैंने आपको बताया पहले कि ये एक जगह है नॉर्थ अमेरिका कंट्री, उसकी हैतियन की वेटेवर है, खस है इसमें। और आयरस संदलवुड हर्ट नोट में शामिल है इसकी, इसके साथ। इसके बाद जो है बेस नोट में जो है इसकी मस्क है और अंबर ग्रेस है। अब चलते हैं इसकी खुशबू की तरफ, के इसकी खुशबू कैसी है। इसकी खुशबू के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको मेरे पास ये एक इम्प्रेशन है, मैंने इसकी एक इम्प्रेशन बनाई है अपनी ओरिजिनल वेटेवर की, जो बॉटल है इसकी इम्प्रेशन मैंने बनाई है। मैं स्ट्रिप पे करता हूँ, फिर आपको इसकी खुशबू के बारे में बताता हूँ कि इसकी खुशबू कैसी है। ऐसी खुशबू है जैसे आप पहाड़ी इलाके में एक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल पे समझाता हूँ। मैं तो कुमराट गया हूँ, कुमराट दीर की साइड पे हैं। वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह तकरीबन 8 से 9 o'clock हैं सुबह, और ग्रास जो है उस पर बारिश हुई है और उसके ऊपर आप खड़े हैं, आपको जो है घास की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की घास की खुशबू है, पानी इस पर पड़ी हुई है, और साथ जो है इर्द गिर्द आपके लेमन और ऑरेंज
इस तरह की दरख्त और पौधे हैं, इस तरह की लेमन और ये ऑरेंज हो गया, बरगमाट हो गया, उसकी दरख्त और पौधे हैं और उसकी हल्की हल्की खुशबू आपको आ रही है घास की खुशबू के साथ। घास की खुशबू के साथ हल्की सी आपको लेमन ऑरेंज इसकी भी हल्की हल्की खुशबू आपको एक ज़बरदस्त किस्म की कम्बिनेशन की स्मेल आपको उस वक्त महसूस होगी जब आप ये स्मेल करेंगे। ये ओरिजिनल वेटेवर क्रीट की बहुत ज़बरदस्त फ्रेश और ग्रासी ग्रीन टाइप की खुशबू हैं। ओरिजिनल वेटेवर यानी ये हैथियन वेटेवर जो हैं इसमें एज ए ड्राइविंग मटेरियल इस्तेमाल हुई हैं इस फ्रेगरेंस में। ये बरगमाट लेमन सिट्रस की कम्बिनेशन के साथ ये इसकी खुशबू आपको आखिर तक हल्की हल्की महसूस होगी। इसकी खुशबू सिट्रस की कम्बिनेशन के साथ माल्टा लेम्बू ऑरेंज ये सिट्रस जो सिट्रसी टाइप की जो फ्रेगरेंसेस हैं इसकी टच के साथ आपको वेटेवर की खुशबू आखिर तक महसूस होगी। लास्टिंग इसकी बहुत अच्छी लास्टिंग है, लोगों को मैं देता हूँ, मेरे पास जो पड़ी हुई हैं ये हैं यहाँ पे, उसकी इंप्रेशन है ये क्रिएट ओरिजिनल वेटेवर की। ओरिजिनल तो जो इसकी परफ्यूम है वो भी लाजमन इसी तरह होगी जिस तरह इसकी लास्टिंग है, इसकी खुशबू है और इसकी लॉन्जिविटी है। तो वैसे मुझे तो बहुत यह खुशबू पसंद है, सूपी टाइप की खुशबू हैं, आपको भी शायद ये पसंद हो अगर आप ये टेस्ट कर ले। अगर आप यहाँ पे पेशावर में हैं, यहाँ पे नज़दीक हैं, तो आप यहाँ पे आके ये लगा कर ये टेस्टर भी ले जा सकते हैं अपने साथ, ये लगा कर आप इसकी खुशबू से जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और अगर आप बाहर हैं, दूर हैं, कोई और आपका किस तरह का कोई आर्डर हो मौजूदा, जो हमारी एक डील चल रही है अभी फेसबुक और इस तरह की मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ की थ्रू, उसमें कश्मीरी ऊद हैं और ब्लैक ऊद हैं, अमीरुल ऊद हैं, वाइट ऊद हैं, इसकी एक डील चल रही है, 3-3 ml की डील हैं, ईद तक हैं। उस डील के साथ अगर आप कहें कि इसकी एक स्ट्रिप मुझे भेज दें इसकी, तो मैं आपको वो भेज सकता हूँ। इसकी ये स्ट्रिप आप ये चेक कर लेंगे, इसकी लास्टिंग का भी आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर आप खालिस वेटेवर अगर आप यूज़ नहीं कर सकते तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, यूनिसेक्स है, लेडीज़ जेंट्स दोनों यूज़ कर सकता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं फिर, क्योंकि ये लाइट हैं और गर्मियों का मौसम है, पसीना भी आता है, तो पसीने में भी ये काम करता है कोई खुशबू। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।